इंदौर का जंजीरवाला चौराहा अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर वीर सावरकर की प्रतिमा, बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, होलकर स्टेडियम, स्कूल, कोचिंग क्लास, सरकारी दफ्तर और कई कंपनियों के ऑफिस हैं। लेकिन इस इलाके को शराब ठेकेदार की नजर लगने ही वाली थी, जिसे क्षेत्रीय रहवासी संघ और यहाँ के पूर्व पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया की जागरूकता ने बचा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के सुंदरता में सालों से रेसकोर्स रोड और उसके आसपास का इलाका चार चांद लगाता आया है। खेलों के केंद्र और लोगों को सुकून देती इन सड़कों पर सुबह से शाम तक लोग चहलकदमी करते दिखाई देते हैं। लेकिन शराब ठेकेदारों को ये सुकून पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने जंजीरवाला चौराहा पर शराब दुकान खोलने की तैयारी कर ली। इसका काम लगभग पूरा होने ही वाला था। वही जब इसकी जानकारी स्थानीय रहवासी संघ और पूर्व पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया को लगी तो उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह के सामने अपनी बात रखी, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह ने तत्काल जंजीरवाला चौराहा पर शराब दुकान नहीं खोलने के आदेश दे दिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में रेसकोर्स रोड पे जो जंजीरवाला चौराहा है उसके सामने एक मोहता भवन है, उसमें वाइन शॉप देसी और हिंदी दोनों, इंग्लिश और अंग्रेजी दो ही का वहाँ वाइन शॉप आ रही थी और उसके साथ ही साथ हाथे का भी वहाँ टीन शेड वगैरह बहुत बड़े स्तर पर बन रहा था। क्योंकि उस भूमि पे पिछले दो वर्षों पहले या कोरोना काल के पहले वहाँ जैन समाज का जो चतुर्मास होता है उसका बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ था वहाँ, तो जैन परिवारों की बहुत ज़्यादा वहाँ भावनाएँ जुड़ी हुई थी। उसके साथ साथ ही जैसे हमारा पास में बास्केटबॉल है, रोज़ बच्चे आते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने, कम से कम 700 बच्चे आते हैं, नवरात्रि में गरबे होते हैं। उसके अलावा मैं खुद, हमारा मार्निंग ग्रुप है, सब घूमते हैं, महिलाएँ, आसपास बस्तियाँ भी हैं, तो उस विषय को लेके जैन समाज में विशेष तौर पर यानी उसका विरोध था। तो मैं सभी समाज बंधुओं ने और हमने विधायक जी को बुलाकर इस विषय को उनके संज्ञान में डाला। उन्होंने कलेक्टर साहब से परसों बात की थी तो आज का समय दिया था, तो उन्होंने आज आदेश कर दिया। कलेक्टर साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया कि उसको, दोनों वाइन शॉपों को निरस्त किया जाएगा, वो कहीं भी डाले, लेकिन जो भी ठेकेदार होगा वो उस जगह को और कहीं ले जाए। हमारा अमन चैन वाला बेल्ट है, शांत वातावरण रहता है वहाँ, बहुत ही पास इलाका है, इसलिए हम सभी ने अभी कलेक्टर साहब का धन्यवाद भी किया और हमें साथ ही कलेक्टर साहब ने एक आदेश भी दिया कि भैया इसका हतवादम पत्र जारी कर रहे हैं, केस को निरस्त कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर शराब दुकान खोली जा रही थी वहां पर जैन संत का चतुर्मास कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, इसीलिए इस जगह से जैन समाज की भी आस्था जुड़ी हुई थी। वहीं अब उन्होंने भी रहवासी संघ और पूर्व पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया का धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।